फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, बाटा मेट्रो स्टेशन चौक पर भीषण हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी है। बड़ी खबर फरीदाबाद से, हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई और मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच कर रही है। तो फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि बाटा चौक मेट्रो स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा हुआ है जहां पर स्कूटी सवार को टक्कर मारी गई है और स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है, वहीं जो अज्ञात वाहन है उसकी जांच की जा रही है ताकि जल्द से जल्द उस आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। तो बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां पर एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। आपको बता दें कि स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी घटना की जांच पुलिस अब कर रही है। तो हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम फरीदाबाद से बता रहे हैं आपको, जहां पर अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी है और आपको यह भी बता दें कि स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। हमारे सहयोगी जयप्रकाश भाटी जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, विस्तार से बताएं पूरी खबर क्या है। जी, जैसा मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद के नेशनल हाईवे 90 पर बाटा मेट्रो स्टेशन के चौक के पास ये भीषण हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने जो स्कूटी सवार है उसे पीछे से टक्कर मारी और जो मौके पर ही युवक की जो है मौत हो गई। सूचना मिलते ही वहां की जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची और फिलहाल युवक के जो शव को है सिविल अस्पताल में रखवा दिया गया, मोर्चरी में रखवा दिया गया है। लेकिन पुलिस अभी अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है और जो मामले की जो जांच है उसमें जो पहचान हो पाई है। जयप्रकाश, मृतक की पहचान हो पाई है? जी, अभी मृतक की अभी पहचान नहीं हो पाई है। मृतक का जो शव है उसे पोस्टमार्टम सिविल अस्पताल में रखवा दिया गया है और पुलिस जो है आगे की उसमें जांच में जुटी हुई है। जो अज्ञात वाहन का उसकी तलाश कर रही है। वहां के सीसीटीवी है तो खंगाला जा रहा है कि वो वाहन को किस चीज से इसका एक्सीडेंट हुआ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको फरीदाबाद से बता रहे हैं जहां पर एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी है जिसमें स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है, पूरी घटना की जांच कर रही है और जल्द से जल्द अज्ञात वाहन के चालक को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई और मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच में जुट गई है।